दोस्तों हम जा रहे हैं मजीद आगे की तरफ और आपको जो है ज़रा गाँव का माहौल दिखाएं। और हम जो है इस वक्त ड्राई कर रहे हैं और सर आपको गलियाँ और घर कैसे हैं ज़रा आपको वो भी दिखाएं। आज का माहौल ज़बरदस्त है, लंटर वगैरह का सामान था जो आपको पहले दिखाया था, आप चल के मजीद आगे दिखाते हैं। हम जो है टाउन की तरफ जा रहे हैं आज, तो टाउन का सोचा कि थोड़ा आपको टाउन से जहाँ पर टाउन हम जा रहे हैं वहाँ का भी ज़रा माहौल आपको दिखा दें। और ये है यहाँ ज़्यादातर खेत मौजूद हैं दोस्तों, और हम बढ़ रहे हैं जैसे टाउन की तरफ। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है तो यहाँ आपको टाउन आप नज़र आ चुका होगा दोस्तों बाहर। अभी तो बाहर दीवार है, अभी हम पहुँचे नहीं, आपको दिखाया है ऊपर, तो हम अभी आहर बाहर ही हैं इसके। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको ज़रा ये देखे टाउन अभी जो है क्योंकि दीवार है, हम यहाँ अभी रास्ता नहीं आया, मज़ीद आपको जो है दिखाएंगे वो रास्ता कैसा है। ठीक है दोस्तों, और ये देखें टाउन का मजीद ऊपर मोबाइल दिखा कर आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है। और गांव का माहौल देखे तो बहुत ज़बरदस्त है। और इस वक्त मैं जो है बाइक पर हूँ, बताओ तब चला इधर जो है जगह नहीं है, हम उधर जा नहीं सकते क्योंकि हमें उधर घूम पर भी आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम माई यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा साइद। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो हम करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ऑलरेडी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली वीडियो का आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन आसानी से। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ खयाबान अमीर टाउन, यह सबसे बड़ा टाउन है हमारे यहाँ गढ़ामोड़ शहर का। और मैं इधर आया हूँ चाट आपको माहौल दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ का माहौल होता है बहुत ज़बरदस्त। अक्सर मैं इधर ज़्यादातर आता हूँ, क्यों आता हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, और ज़बरदस्त ही नहीं बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि इधर मुझे आकर बहुत अच्छा महसूस होता है। एक तो बहुत बड़ा टाउन है, इसकी जितनी खूबसूरतों की बात की जाए बहुत कम है, और यहाँ पर मेहनत जो की गई है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक खूबसूरती है, यहाँ पर बच्चे होते हैं और बड़े लोग भी आते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर झूले भी देखे जाएँ, और बच्चे एक दो भी आए हैं और साथ में कुछ बड़े लोग भी आए हैं। चलो यहाँ पर झूले लगाए गए हैं जो इस टाउन की यानी के खूबसूरती में इजाफा करता है और बच्चों की तवज्जो जो है हासिल कर लेते हैं, और यहाँ पर खूब लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। और पर झूले जो है बहुत ज़बरदस्त है, चलकर आपको मज़ीद अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों मेरे साथ है मलक मुनीर भाई जान, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये भी है वो किसी का इंतज़ार कर देख रहे हैं। अब दोस्तों हम दाखिल हो चुके हैं टाउन की जानब, और यहाँ पर जैसे कि पहले आपको दिखाए थे यहाँ सीमेंट के ये चेयर और टेबल बनाए गए, समझ लो। ठीक है, और ये देख किस तरह बनाए गए आपको ज़रा दिखा दें, आपको चल कर और भी नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हम चल कर यहाँ जैसे कि पहले भी मैं आ चुका था,
शेष के अर्ध गर्ज पौधे लगाए गए और आपको ज़रा दूर से दिखाते हैं ये कैसी दिखती है। देखें कितनी खूबसूरत है और यहाँ पर बैठने का मज़ा है बिल्कुल ही अलग है। ये देखें उन्होंने मुकम्मल रूट बनाया इसके चलने का, सीधा ये रूट है सीधा, ठीक है। और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा टाउन है और इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, ठीक है दोस्तों। और ये देखें किस तरह उन्होंने एक मुकम्मल लाइटिंग की गई, ये देखें बल्ब दोनों ही जनब लगाए गए। तो ये है इनकी खूबसूरती, आपको राज दिखाया इसका, ठीक है। इसका राज क्या है ये देखो, तोड़ा तोड़ ये जो सफ़ेद लाइट है आपको दिखाई दे रही, ये थोड़ा तोड़ लगाई गई बिल्कुल थोड़ा तोड़, ठीक है। ये देखो